लक्ष्मी पड़ियार सिलोवेल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल मानसर रोड ब्रांच स्टूडेंट्स चैप्टर 1 to 6 हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब चैप्टर 7 बड़े कहानी। स्टूडेंट्स कहानियां तो आपने बहुत सारी सुनी होगी। मनुष्य को कहानी वैसे भी बहुत ही प्रिय होती है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। छात्र में कहानी निर्माण करना, अलग अलग प्रकार की पशु पक्षियों की अलग अलग प्रकार की कहानियां तो बनती रहती है, हम सुनते रहते हैं। मुझे लगता है आप लोगों ने लाइब्रेरी में जाके भी बहुत सारी कहानी सुनी होगी। मनुष्य को कहानी वैसे भी बहुत प्रिय है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। वैसे तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हमें लास्ट में एम को क्लियर करना पड़ता है। छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो इसलिए यहाँ वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियों कहानी लेखन की ओर नई दिशा देगी। यहाँ पर एक कहानी है कौवा और मुर्गी। कुछ अजीब सा लग रहा है ना बच्चों? चलो देखते हैं आज ये कहानी हमें क्या बताती है। कहानी पढ़ते जाइए और इसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए। मतलब ये जो ब्लैंक्स है उसमें आपको कहानी के वो वर्ड फिल करने हैं और फिर वो कहानी आपको ये जो फिल करने की प्लेस जो छोड़ी है वहां पे आपको वो वर्ड फिट करना है तो पूरी स्टोरी एक अच्छे से बन जाएगी। पहले हम कहानी देख लेते हैं। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गए। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाजा बंद रखना नहीं तो कोई दाने ले जाएगा, कोई दाने ले जाएगा। थोड़ी देर के बाद एक घोड़ा आया, उसने कहा मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल। उसने क्या कहा? मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं मैं दाना नहीं दूंगी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब वह सोचने लगी कौवा दाना मांगेगा तो मैं क्या कहां से दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक भी आवाज उसके मुंह से नहीं निकली, एक भी आवाज उसके मुंह से नहीं निकली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यही लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठ गई। जब बिल्ली ने दाना चक्की में डालना शुरू किया, मुर्गी के पेट से मुर्गी सारे चट कर गई, मुंह से भर लिया बिल्ली ने और दाना चक्की में डालना, मुर्गी ने उसे भी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी पर आटा ना निकला। ये देख बिल्ली बहुत दुखी हो गई, बिल्ली बिचारी बहुत दुखी हो गई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई, कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा, वहां मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी, उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा, उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर से हंसी आई। वह हंसी और उसके मुंह के सारे दाने उसकी वजह से निकल पड़े। इस प्रकार स्टूडेंट्स ये स्टोरी यहाँ हमें बताती है सारे एनिमल्स की कहानी और पूरा हंसी का पिटारा लग रहा है हमें। अब इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें डैश लगा हुआ है उसमें आपको पर्टिकुलर वर्ड भरना है। जैसे कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे, फिर कौवा दाना लाता है, मुर्गी भी दाना लाती है और ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो जाता है। एक दिन कौवे ने कहा मैं चावल लेने जाता हूँ तू घर का दरवाजा बंद रखना नहीं तो कोई
दाने ले जाएगा। अब ये वाली ब्लैंक्स देखते हैं। थोड़ी देर के बाद घोड़ा आया, उसने कहा मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दानिया दे। मुर्गी ने कहा नहीं नहीं मैं दाना नहीं दूंगी। मुर्गी ने कहा मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। और मुर्गी को दया आ गई, सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब वह सोचने लगी कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहां से दूंगी। मुर्गी बहुत घबरा गई। अब कौवा दाना लेकर घर लौटा, तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहां है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी नहीं निकली, एक आवाज भी नहीं निकली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा मुर्गी घर में नहीं है। तो आंसर ब्लैंक्स में लिखोगे नहीं। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठ गई। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने चट उसे मुंह में भर लिया। क्या किया उसने, मुंह में भर लिया और मुर्गी चट कर लिया। बिल्ली पीसने लगी, आटा न निकला। देख ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई, ये देख बिल्ली बहुत दुखी हुई। अब बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते चक्की के पीछे देखा, वहां मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसने लगा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर से हंसी आई। वो हंसी और उसके मुंह के सारे दाने निकल पड़े, उसके सारे दाने निकल पड़े। स्टूडेंट्स इस प्रकार हमने ये बड़े कहानी अच्छे से स्टोरी आपको दो बार वीडियोस देखकर अच्छे से ये पूरी कहानी आपको पढ़नी है और इसमें आंसर आपको फील करने हैं। ओके थैंक यू वेरी मच, बाय बाय स्टूडेंट्स।